सामाजिक संस्था फिनिक्स क्लब द्वारा आज वात्सल्य वाटिका में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। संस्था के वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं प्रसिद्ध समाज सेवी धीरज गुलाटी के 50वें जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर आयोजित इस रक्तदान शिविर में 66 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। समाज सेवी धीरज गुलाटी को वात्सल्य वाटिका संस्थापक स्वामी हरिओम दास प्रयोजक ने अपना आशीर्वाद देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। इस मौके पर वात्सल्य वाटिका विद्यालय के प्राचार्य गौरव चौधरी और विद्यालय के विद्यार्थियों ने धीरज गुलाटी को उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और संस्था की इस नेक पहल पर आभार प्रकट किया। फिनिक्स क्लब के प्रधान विजेश एलावादी ने बताया कि सामाजिक संस्था फिनिक्स क्लब द्वारा साल भर जनहित कार्य किए जाते हैं। इसी कड़ी में पिछले कई वर्षों से धीरज गुलाटी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले रक्तदान शिविर की परंपरा को बरकरार रखते हुए आज भी रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस रक्तदान शिविर में पार्थ ब्लड बैंक की टीम ने रक्तदाताओं का उत्साहवर्धन करते हुए 66 यूनिट रक्त संग्रह किया। इस दौरान धीरज गुलाटी ने कहा कि रक्तदान महादान है, इस महादान के महत्व को हम सबको गंभीरता से लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि रक्त की पूर्ति केवल रक्तदान से ही की जा सकती है, क्योंकि रक्त का निर्माण किसी फैक्ट्री में नहीं होता, इसलिए हर स्वस्थ व्यक्ति को हर 3 माह बाद रक्तदान करते रहना चाहिए। उन्होंने सभी रक्तदाताओं का आभार प्रकट किया। धीरज गुलाटी ने खुद भी रक्तदान किया। इस मौके पर संस्था की ओर से राजेश पोपली, जितेंद्र मेहता, तरुण ढींगरा, सुनील कालड़ा, दिनेश अनेजा, जशन अरोड़ा, रविनंदन आहूजा, राजेश छाबड़ा, अंजुल सिंगला, डॉक्टर जेपी केसरी, अश्विनी अरोड़ा, दीपक चिप, अरुण गुप्ता, नरेश सिंगला, प्रदीप बिडान, अमित अरोड़ा, कीर्ति खोसला, दिनेश छाबड़ा, डॉक्टर नीरज जाम, सीएम एमिनेंट पर्सन प्रदीप जाम, संत राजेंद्र सिंह, डॉक्टर जेपी केसरी, दिवेन भाटिया, लाभ सिंह सहगल, बलबीर सिंह व अन्य कई गणमान्य लोग भी मौजूद थे।